नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खास खबर पर। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान की रियल लाइफ भी किसी रियल लाइफ से कम नहीं है। क्या सोमी अली जैसा कह रही है सलमान खान का किरदार रियल में वैसा है? क्या वो किसी भी नारी का शोषण कर सकते हैं? सभी के मन में सवालों का बवंडर है। क्या है सल्लू भाई का सच? आइए जानते हैं एक खास पेशकश। आज सलमान खान को हिंदी सिनेमा जगत में सुपरस्टार माना जाता है। एक समय पर बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस सोमी अली ने लेटेस्ट पोस्ट में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमी अली ने सलमान पर आरोप लगाए हैं कि एक्टर ने ना सिर्फ इंडिया में उनका शो बंद करवा दिया है बल्कि उन्हें केस करने की धमकी भी दी है। सोमी ने सलमान का नाम लिए बिना उन पर सिगरेट से चलाने और अब्यूज करने का भी आरोप लगाया है। क्या है आखिर भाईजान का सच? आइए जानते हैं सल्लू भाई का सच। सोमी अली के एक पोस्ट ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। सोमी अली पाकिस्तान में रह रही थी लेकिन सलमान खान के लिए अपने क्रश के कारण मुंबई आ गई थी। यहां आने के बाद सोमी अली ने सलमान के साथ एक फिल्म भी की थी और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। सोमी अली और सलमान का अफेयर 1991 में शुरू हुआ जो 1998 तक चला और फिर 8 साल बाद ब्रेकअप हो गया। सलमान से ब्रेकअप के बाद सोमी अली वापस फ्लोरिडा चली गई और अपना एनजीओ चलाने लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सोमी अली सलमान से ब्रेकअप के बाद आगे नहीं बढ़ पाई है और वह अक्सर ही एक्टर को निशाने पर लेती रहती है। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर सलमान पर मारपीट का आरोप लगाया था। उस पोस्ट में सोमी ने कहीं भी सलमान का नाम नहीं लिया था लेकिन उनकी फिल्म मैंने प्यार किया की शेडो पिक्चर शेयर की थी। सोमी अली ने एक बार फिर धावा बोला है। उन्होंने सलमान के साथ वाली एक पुरानी तस्वीर शेयर कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, अभी और भी काफी कुछ आएगा। इंडिया में मेरे शो पर बैन करवा दिया और फिर मुझे मुकदमे की धमकी दी। तुम एक कायर इंसान हो, अपने वकील को निकाल दो। मेरे पास यहाँ मुझे बचाने के लिए 50 वकील है। तुमने जो मेरा कई साल तक शारीरिक शोषण किया और मुझे सिगरेट से भी जलाया। सोमी अली ने अपने इस पोस्ट में कुछ गालियों का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही उन एक्ट्रेसेस पर भी निशाना साधा है जो सलमान का सपोर्ट करती आई है। उन एक्ट्रेसेस पर भी धिक्कार है जो उस आदमी का सपोर्ट करती है जिसने महिलाओं को पीटा है। उन मेल एक्ट्रेस पर भी धिक्कार है जो उस आदमी का समर्थन करते हैं। अब लड़ने का समय आ गया है। सोमी अली ने अपने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया लेकिन यह अब तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हैरानी की बात है कि सोमी अली कभी खुद को सलमान खान की बड़ी फैन बताती है और आज उन पर हमलावर है। एक इंटरव्यू में सोमी अली ने सलमान से ब्रेकअप की वजह भी बताई थी और कहा था कि एक्टर ने उन्हें चीट किया था। अब देखना यह होगा कि सोमी अली और सलमान का यह मुद्दा कहां तक जाता है। बताया जाता है कि संगीता बिजलानी से अलग होने के पीछे का कारण भी सलमान का सोमी का रिश्ता ही था। हालांकि दोनों का यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी ऐश्वर्या राय ने भी कहा था कि सलमान खान ने उनके साथ मारपीट की थी। इसके अलावा सलमान के साथ रिलेशन में रह चुकी कैटरीना कैफ के साथ भी एक्टर द्वारा ऐसी ही हरकत करने की बात सामने आ चुकी है। कहा जाता है कि सलमान खान पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।